बाप का बच्चा बनकर बाप को पहचान कर बाप के सामने अंजाम करके अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ जाता है। इफ एनीवन परफॉर्म्स सिंफुल एक्शंस आफ्टर बिकमिंग द फादर्स चाइल्ड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हिम आफ्टर टेकिंग अ वाउ इन फ्रंट ऑफ हिम ही एक्यूमुलेट्स 100 times बर्डन ऑफ सिंस। इसलिए बोला तुम्हारे लिए तो बहुत कड़ी सजा है। दिस इज व्हाई इट वाज सेड देयर इज अ वेरी सीवियर पनिशमेंट फॉर यू। बाप से वर्षा लेने आए हो, यू हैव कम टू टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर, तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटना चाहिए ना। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू शुडंट हार्म योरसेल्फ शुड यू। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। They speak about the one, but remember others. बाप को याद करते ही नहीं। They don't remember the father at all. तो बताओ उनकी क्या गति होगी? Then tell me, what will their condition be? सच खाना, सच बोलना, सच पहनना। You should be truthful in eating, speaking, and in wearing. ये भी अभी की बात है। This is also about the present time. बाप के यज्ञ से बड़े प्यार से जो मिले सो खाना चाहिए। Whatever you receive from the father's yajna, you should eat it with great love. बाप को सच्ची बात बतानी चाहिए। You should tell the truth to the father. पहनना? What about wearing? जो भी मिलता है यज्ञ से, कपड़ा हो या कुछ भी हो, यज्ञ का पहनना है। You should wear whatever you receive from the यज्ञ, whether they are clothes or anything. कोई दूसरे का दिया हुआ पहनेंगे तो क्या घाटा होगा? If you wear the clothes given by someone else, what will be the loss? उसकी याद आती रहेगी। You will keep remembering him. उसकी याद आवेगी तो विचारी याद बन जाएगी। If you remember him, your remembrance will become adulterated. बाप की याद भूल जाएगी। You will forget the father's remembrance. तो ये सब अभी की बातें हैं। So all this is about the present time. क्या बातें? What all? सच खाना, सच बोलना, सच पहनना। You should be truthful in eating, speaking, and wearing.